अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान राजा, आप देख रहे हैं देश प्रदेश टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरखान सिटी में, और जैसा कि आप जानते हैं कि खोखा यूनियन गुजरखान के इलेक्शन होने जा रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार सदर खोखा यूनियन मिर्ज़ा तैमूर वारसी साहब। तो इनसे पूछते हैं, मिर्ज़ा साहब, क्या तैयारी इलेक्शन की? यूज़ बिल्लाजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारियाँ ज़ोरों शोर से शुरू है हमारी, और 4 तारीख अनाउंस हो चुकी है डेट। चेयरमैन राजा ज़ोर साहब भी हमारे बोर्ड के, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शेड्यूल जारी कर दिया उन्होंने। आज हमारी भी इधर मीटिंग थी, इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कारकुन हैं, हमारे भाई हैं, हमारे जो अहदेदारान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भरपूर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमने मरकजी अजमन ताजना का इलेक्शन जीता, इंशाल्लाह हम पुरअज़म हैं, इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। तो इसी तरह आवाम की खिदमत करेंगे। जैसे मैंने 2008 से 2016 तक प्रेसिडेंट रहा हूँ, इंशाल्लाह इसी अज़म से जो है ना अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा और आवाम की खिदमत करूंगा। अच्छा तैमूर भाई, ताजर इत्तेहाद ग्रुप का कहना है कि हमारे साथ इलेक्शन के हवाले से कोई मशावरत हमारे साथ नहीं की गई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, उसमें सर हमने एक कमेटी बनाई थी जिसके चेयरमैन राजा इमरान कामी साहब थे, वो 5 बंदों पर मुश्तमिल थी कमेटी। उन्होंने हमें जो है ना सदर साहब को वो फिर बाई रिटर्न भी दिया कि हमने उनसे रब्ता किया था, मिर्ज़ा वकास साहब से और नौमी भट्ट साहब से, लेकिन उन्होंने कोई अतमी जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद एक बोर्ड बना था जिसमें 3 मेंबर हमारे थे, जिसमें राजा ज़ूर मंजूर साहब थे, राजा शफकत कियानी साहब और राजा गजम्फर साहब, और उन्होंने उनसे कहा था कि 3 बंदे आप अपने दे के हम मुश्तरका बोर्ड बनाएंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस पर भी कोई अतमी जवाब नहीं दिया। फिर हमारी अजमन ताजरा ने यह फैसला किया कि ठीक है, और वैसे ये इखलाकन उनसे पूछा गया था, जैसे आपको पता है 8 नंबर और 9 नंबर शिक में जैसे है ना कि जो मरकजी अजमन ताजरा बनेगी वही इलेक्शन करवाने की पाबंद होगी ज़िली तंजीम की, लेकिन इखलाकन हमारी टीम ने उनसे पूछा भी, लेकिन उन्होंने कोई अतमी जवाब नहीं दिया। उसके बरक्स फिर हमारी अजमन ताजरा ने यह फैसला किया कि 6 बंदों का बोर्ड बना के ना वो मुंतखब कर लेंगे खुद चेयरमैन, उसमें फिर राजा ज़ूर मंजूर साहब चेयरमैन मुंतखब हो गए। उन्होंने फैसला दे दिया, हमने पूरी पूरी मशावरत की थी लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बरक्स ये कमेटी बनी है, बोर्ड बना है, वो बोर्ड इलेक्शन करवाएगा। तैमूर भाई, अपने जितने भी आपके सपोर्टर हैं, वोटर्स हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? सर पैगाम ये है कि जैसे एक अच्छे तरीके से मरकजी अजमन ताजरा का इलेक्शन हुआ है, उम्मीद करता हूं और सबको ये कहता भी हूं कि आपस में छोटा सा हमारा गुजरखान है और छोटा सा हमारा ये 312 वोटों का खोखा बाजार है, आपस में खुश रहें, आपस में इखलाक के दायरे में रह के बात करें, कोई फेसबुक पर कोई ऐसी गंदी ऊटिंग ना करें, और पुरअमन फिजा होनी चाहिए। इलेक्शन हो जाना है, आगे भी कितनी आपस में हुए मामलात, लेकिन इलेक्शन हो गए, एक टीम बन गई, एक रहेगी। देखिए 2008 में मैं भी इलेक्शन लड़ा था, मुझसे नौमी भट्ट साहब इलेक्शन जीत गए थे, मैंने उनके गले में हार डाला था, मैंने एक्सेप्ट किया था कि आप हमारे प्रेसिडेंट हैं, और मैंने एहतराम किया उस यूनियन का, क्योंकि 2008 में यूनियन बनाई मैंने थी और उसका एहतराम करना मेरे पर लाजम था। इसलिए सब भाइयों को कहूँगा आपस में खुशी खुशी से इलेक्शन करें, मोहब्बत की फिजा फैलाएँ। बस बहुत शुक्रिया।